अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शारिल्स किचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेसन की खंडवियों का सालन। जब भी कभी आपको कुछ समझ ना आए और कुछ नया पकाने को दिल करे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक ट्रे ले ली है, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम एक बोल ले लेंगे, इसमें एक कप बेसन डाल देंगे, बेसन को छान कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाते हैं। एक टीस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट भर कर डाल देंगे, फुल भर के डालेंगे। हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को पीस लिया था, देखिए हमने ये पेस्ट बना लिया है। इसमें से एक टेबलस्पून हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे बेसन में, बाकी का ग्रेवी के लिए हम रख लेंगे। आधा टीस्पून चिली पाउडर डाल देंगे और हम इसमें क्वार्टर टीस्पून हल्दी डाल देंगे। आधा टीस्पून हम भुना जीरा पाउडर डाल देंगे और आधा टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और क्वार्टर टीस्पून हींग डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम एक कप पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम बैटर फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसको पहले सान लेना है अच्छे से, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अच्छे से जब ये फिट जाएगा, लम्स फ्री हो जाएगा, तब हम इसमें और भी पानी मिलाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए फेंट लिया है। देखिए इसमें अब लम्स नहीं है, इसमें हमने एक कप पानी डालकर इसको फेंट लिया है। 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अब हम एक कप पानी और इसमें मिला देंगे, टोटल हमारा 2 कप पानी इसमें लग जाएगा। देखिए ये अच्छे से घोल हमने फेंट लिया है। देखिए स्पून से हम दिखाते हैं, ये इतना पतला है, इतना ही पतला हमें घोल बना लेना है। देखिए इस तरह से। अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें ये बेसन का घोल डाल देते हैं। सारा घोल डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए पकाएंगे। अच्छे से इसको हमें चलाते हुए पकाना है और चलाते ही रहना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो इसको चलाते हुए ही हमें अच्छा गाढ़ा करना है। अब देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, इसको इसी तरह चलाते जाएंगे और साइडों से स्क्रैच करते हुए इसमें मिक्स करते जाएंगे और जो भी लम्स पड़ेंगे उसको हम तोड़ते जाएंगे, मैश करते जाएंगे। इसी तरह चलाते चलाते हमें 7 से 8 मिनट में इसको गाढ़ा कर लेना है। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। अब देखिए ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब बस देखिए इसको अच्छे से हम सारा बैटर ट्रे में डाल देंगे, जिसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब देखिए स्पून पे हमने ऑयल ग्रीस करके इसको इस तरह से हम बेसन को सेट कर लेंगे और ऊपर से चिकना करते जाएंगे। इस तरह से हमें इसको चिकना करते हुए सेट कर लेना है और साइडों से भी बराबर से कर लेना है। अब देखिए ये सेट हो गया है, इसको हम ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे या आप बाहर भी रख सकते हैं। देखिए ये जम गया है, इसको हम मन चाहे शेप में काट लेंगे। आपको जो पसंद हो शेप, उस शेप में आप काट लें, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या ट्राइंगल, हर शेप में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया, बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। आप इसको एज अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से काट के फ्राई करके एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मज़ेदार लगते हैं। देखिए एक पीस में निकाल के दिखाती हूँ, कितनी आसानी से ये निकल गया। देखिए बिल्कुल पनीर जैसा लग रहा है। हम ग्रेवी के लिए बोल चढ़ा देंगे, इसमें हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। देखिए तेल गर्म हो गया है, हम इसमें आधा टीस्पून
मेथी दाना डाल देंगे और इसको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। बाकी की बची हुई हमने अनियन पेस्ट भी डाल दी है और अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से प्याज और अदरक लहसुन को भून लेना है। अब देखिए ये भून चुका है, हम इसमें 1 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। पानी डालकर अच्छे से हमें मसालों को भून लेना है। बहुत अच्छी तरह से मसालों को हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब देखिए मसाले हमारे भून गए हैं। हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हमने बिना पानी के पीस लिया था, ये हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटरों को भी हमें अच्छे से भून लेना है। इस स्टेज पे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। टमाटर के साथ नमक डालेंगे तो हमारे टमाटर अच्छे से जल्दी से भुन जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम खोलते हैं, देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब देखिए इसको हम अच्छे से चला देंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। इस स्टेज पे हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे हमारी फ्लेम लो ही है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उतना पानी डालें। तो मैं इसको थोड़ा शोरबेदार बनाऊंगी, तो इसमें मैं उसी हिसाब से 2 कप पानी डालूंगी। अब देखिए ग्रेवी में हमारे अच्छे से बॉईल आने के बाद हम इसमें पीसेस अपने बेसन के डाल देंगे। सारे पीसेस डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको लो फ्लेम पर हम दम लगा देंगे। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको खोल के देखते हैं। देखिए अच्छे से हमारे ये दम हो चुके हैं। हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं और 4 हरी मिर्च जिसको हमने काट के रख लिया था वो हम डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं और खूब सा हरा धनिया डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अभी इसका शोरबा पतला लग रहा होगा, रखने के बाद ये थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती हैं खंडवियाँ, तो इसको हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। हमारी खंडवियों का सालन बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।